मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस को स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया गया था। 2 अक्टूबर 2015 को यह अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट प्लास्टिक की गंदगी साबित हुई है। यही वजह रही कि स्वच्छता की राह में ब्रेक लगाने, पर्यावरण और मानव प्रजाति के लिए खतरा बनती जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने की बड़ी मुहिम मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। स्वच्छ भारत मिशन पहले कार्यकाल की उपलब्धि थी तो दूसरे कार्यकाल के पहले साल में सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने का ऐलान किया गया है। अब 2 अक्टूबर से इस मिशन की शुरुआत हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम हैविंग एडवर्स हेल्थ इंप्लिकेशंस, दिस इज गोइंग टू रेंडर लैंड्स अनप्रोडक्टिव एंड अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। माय गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल पुट एन एंड टू सिंगल यूज प्लास्टिक इन द कमिंग ईयर्स। We are committed to development of environment friendly substitutes and also an efficient plastic collection and disposal method. I believe the time has come for even the world to say goodbye to single use plastic. प्रधानमंत्री की अपील के बाद इस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। तमाम मंत्रालयों ने निर्देश जारी किया है कि उनके विभाग में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। मंत्रालयों में इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने प्लास्टिक यूज बैन करने को लेकर इससे जुड़े सभी सरकारी संस्थाओं की बैठक बुलाई, जिसमें सबको पानी शीशे की बोतल में दिया गया। पासवान ने अपने मंत्रालय के सभी विभागों में 15 सितंबर से सिंगल प्लास्टिक यूज बैन को लागू करने के लिए कहा है। हम लोगों का प्रयास है कि जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक से जो देश है और पूरी दुनिया है उसको जितना हानि हो रहा है और तरह तरह की जो बीमारियां निकल रही हैं, जितने डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, जितने हमारा जो है साइंस डेवलप कर रहा है, उतना ही जो है बीमारी भी पैदा हो रही है। और इसमें एक सबसे बड़ा जड़ जो है वो जो है प्लास्टिक का सबसे बड़ा रोल है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने देश के 60 शहरों में एक रिसर्च की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 60 शहरों में रोजाना 4,059 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। देश भर में हर दिन 25,940 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। साइंस जनरल की 2015 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्लास्टिक कचरे को समुद्र में डंप करने वाले 20 देशों में भारत 12वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 79% प्लास्टिक कचरा कूड़े के ढेर में तब्दील होता है, सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाता है। रिपोर्ट का दावा है कि 2050 तक 1200 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा निकलेगा। जाहिर है सिंगल यूज प्लास्टिक का मसला सुलझाना इतना आसान नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। 2 अक्टूबर को इस पर पूरी तरह बैन के पहले नोएडा अथॉरिटी भी 11 सितंबर से इसकी रोकथाम के लिए मुहिम शुरू कर रही है। इसमें दिवाली तक लोगों से जुड़कर उन्हें इसके खतरों और रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाएगा। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्लास्टिक फ्री इंडिया की कॉल दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पूर्व में ही प्लास्टिक बैन के निर्देश दिए गए थे और उसको हम लोग चाह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक नोएडा में हम लोग ये पूरा प्रयास करें कि नोएडा को प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर कराएँ। और उसके लिए अभी हम लोग 2 दिन के बाद पूरे नोएडा में एक RWS का सोसाइटीज़ का कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण और प्लास्टिक फ्री सोसाइटी इसको कवर करेगा। तो प्लास्टिक फ्री के एफर्ट्स भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। नोएडा की तर्ज पर दिल्ली में भी सितंबर के मध्य से इस पर अभियान शुरू हो सकता है। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले आर्थिक नुकसान पर नजर डाली जाए तो साइंस जनरल का दावा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे की इतनी बड़ी मात्रा की वजह से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में टूरिज्म, फिशिंग और शिपिंग बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्तमान में प्लास्टिक कचरे की वजह से $1.3 बिलियन का नुकसान हर साल हो रहा है। इसकी वजह से समुद्रीय पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने को लेकर इस हफ्ते पर्यावरण मंत्रालय लिस्ट जारी कर सकता है। मंत्रालय की तरफ से 2 अलग अलग लिस्ट जारी की जा सकती है। एक लिस्ट में उन सामानों का जिक्र होगा जहां सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं दूसरी लिस्ट में उन चीजों को शामिल किया जाएगा जहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। लिस्ट तैयार होने के बाद सरकार की तरफ से बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।